लाइन में लगते हैं। मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग हो गए हैं तैयार अपनी ट्रैकिंग के लिए। हम 2 बजे ही उठ गए थे और ये लड़की मेरे से पहले उठी हुई है। जय भोलेनाथ। ये देखिए पूरा भोलेनाथ की मस्ती में। अभी हम बस ट्रैकिंग के लिए निकलने वाले हैं। अभी हम पहले सोनप्रयाग तक जाएंगे ना, yes. वहाँ से फिर हम गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेंगे। तो देखते हैं सोनप्रयाग सीतापुर। और अभी हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। सीतापुर, हम उतरे हैं सीतापुर और यहाँ से जाएंगे पैदल सोनप्रयाग और वहाँ से टैक्सी वगैरह मिलेगी। और सुबह के बज रहे हैं, अभी कितने बजे हैं सुबह के पता नहीं भाई, टाइम तो मुझे भी नहीं पता। सुबह 6 तो कुछ बज ही होंगे। हाँ, 6:30 हो गए। तो जा रहे हैं, हमारे सारे मेंबर्स आगे निकल गए, हम भी निकलते हैं। मम मम बोले। यह सोनप्रयाग की पार्किंग और ये देखिए लाइन फॉर बुकिंग टू गौरीकुंड टैक्सी, जिसमें हमारे ये बंदे के लिए थैंक्स टू हिम, रियली थैंक्स टू हिम फॉर रीचिंग देयर, बिग थैंक्स। ये सभी बहुत अच्छे है, बहुत प्यारे बियर्ड मैन। मम्मा बोले। हर हर महादेव केदारनाथ यात्रा 16 किलोमीटर। हेलो गाइस, फाइनली आफ्टर 2 इयर्स ऑफ वेटिंग हम आ चुके हैं गौरीकुंड। हम आए थे यहाँ पे टैक्सी से, क्योंकि टैक्सी वाले ने 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज किया है और यहाँ पे आ चुके हैं। और अब हम हर हर महादेव। ये मेरी कॉम्पिटिटर है, इसे मैं भी छोड़ रहा हूं। आ रहा है साथ में, हर हर महादेव यूट्यूबर है, इनका पेज फॉलो कर दो। ये तुम्हारा नहीं, मेरा ही करेगी, मैं नहीं करूंगा इसका। ठीक है, तो चलिए चलते हर हर महादेव। ये देखिए गौरीकुंड, इनसे सबकी यात्रा शुरू होती है, हमारी भी शुरू होती है। जय भोलेनाथ। देखिए गाइस, ये है गौरी माई का मंदिर, यहाँ से शुरुआत होती है अपनी। मंदिर में मत्था टेक के गाइस देखिए, आप ऐसे बास्केट भी ले सकते हैं। हाय, क्या रेट रहता है भैया? रेट वेट देख के। कितना? वेट देख के। लेकिन अच्छा मेरा बताओ, आपका लगेंगे इसे 9,000। 9,000 चढ़ने उतरे उतरने दोनों का, दोनों का अब जाने, आने जाने का लगे आपको 16,000 लगेंगे। अच्छा हाँ बोला भैया, आप कैसे उठा लेते हो इतना वेट? ऐसे उठा रहे, जब ये उठाए वैसे करके बैठ दे बस। वेरी गुड। गाइस देखिए इन लोगों की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होती है, इतना वेट उठा लेते हैं, हमसे तो अकेले ही नहीं चला जा रहा, ये वेट लेके चढ़ते हैं। ये है भोलेनाथ का जादू। जय भोलेनाथ। गाइस देखिए, ट्रैकिंग के लिए आप एक घोड़े खच्चर भी कर सकते हैं, इनके प्राइजेस अलग अलग होते हैं। वैसे तो मैं पूछ लेती हूँ भैया से एक बार। भैया भैया घोड़े का क्या प्राइस रहता है, चढ़ने उतरने का घोड़े का? हाँ बारह 15,000 दोनों, चढ़ना उतरना 200, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000,
अच्छा अच्छा ठीक। जैसे यहाँ से रेट होगा ठीक है, यहाँ सर करके रेट है ना, आगे चलेगा पता चल कितना रेट है यहाँ। ठीक है गाइस, देखिए प्राइजेस इनके 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 तक भी जाते हैं। गाइस जो फीलिंग आ रही है ना वो बोल नहीं सकती मैं, वो कितनी ब्यूटीफुल फीलिंग है यहाँ पे। लाइक आना ही सबका सपना होता है और हम लोग आए हैं तो हमारा सपना पूरा हो रहा है। किरकार रियली एक्साइटेड टू मीट भोलेनाथ। ये देखिए कितना बढ़िया सा झरना, बहुत सुंदर है गाइस, सच्ची में ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए। देखिए गाइस, वैसे आप अगर घोड़े खच्चड़ का यूज ना ही करें तो बेटर है, इनको बहुत तकलीफ होती है, बेचारे बेजुबान जानवर हैं, पैदल भी जा सकते हैं। देखिए ये रेट लिस्ट है। हेलो गाइस, ये देखिए ये हमारे हैं जो जिन्होंने हमें इतनी सुंदर यात्रा कराई है। ये है, बताइए अपना नाम। माय नेम इज रोहित एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ सेफ एंड रोम ट्रैवल कंपनी। सेफ एंड रोम ये इनकी ट्रैवल कंपनी है, बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी दे रहे हैं। अभी तक हमें मजा आ रहा है इनके साथ, जो हमें एकदम ऐसे मोमेंट पे मिले थे, एक तरह से सेवियर कह सकते हो। तो इसके लिए हम आगे भी इनके साथ में और ट्रिप्स करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू घोड़े की हालत देखो, बेचारों की हालत देखो गाइस, गिर गए तो बेचारा मर ही गया। इंसान के पास दो पैर है फिर भी मासूम जानवरों को परेशान किया जाता है। देखिए गाइस ये वाटरफॉल, देखिए गाइस हमने अभी तक कवर कर लिया है 3 किलोमीटर और अभी आगे चलते हैं। मुश्किल तो है बट अगर आप भोले बाबा का नाम लेके चलेंगे तो सब पार हो जाएगा। जय भोले, जय भोलेनाथ। ये देखिए गाइस इस पीछे ब्यूटीफुल सा झरना बह रहा है। भोले बाबा में कुछ तो शक्ति है कि हम इतनी कठिन पर चढ़ाई है। बेसिकली ये जो खच्चर वगैरह है घोड़े वो थोड़ा इसकी वजह से गंदगी हो जाती है और जो फिसलन वाला हो जाता है, तो थोड़ा केयरफुल होकर चले, धीरे धीरे चले और बस चलते रहे। क्या बोले वाला समय भैया और खींच लेके आए हम बम बोले चलते रहो बस। गाइस देखिए हमने काफी रास्ता कवर कर लिया है, हालत खराब हो गई लेकिन हमारी, भैया अभी बोले 50% हुआ बस, लेकिन अभी 50% बोल रहे हैं। हमने काफी शॉर्टकट्स लिए, ये देखिए एक और है, आप भी ले सकते हो, भी हो जाएगा। अभी तो रह गया है, जय बोलेंगे। हेलो गाइस, देखिए हम वहाँ पे थे उस पुल पे और अभी इतने ऊपर आ गए, लेकिन बहुत थकान हो गई है। ये देखिए यूट्यूबर दिख रहा होगा मेरे चेहरे पर, सीने और आवाज सुन ली, इतने थक चुके हैं हम। हाँ, बहुत थक दो साथ नीचे हम दो ऊपर आ चुके हैं। हाँ, 2 मिनट का होल्ड, फिर हम दोबारा अपनी जर्नी शुरू करेंगे। हाँ, क्या लगता है आपको आरती पे पहुँचेंगे? पहुँचेंगे भाई, जरूर पहुँचेंगे। भोलेनाथ जी हमें आरती तक जरूर पहुँचाओ, पूरी कोशिश कर रहे हैं। जय भोलेनाथ। गाइस ये नीचे से शुरू हो रहा है, ऊपर तक आ रहा है, एक और है अभी,
उसके बाद ये बहुत ही लंबा था शॉर्टकट, बहुत थकान हो गई, लेकिन भोले बाबा से मिलना जल्दी। ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम केदारनाथ, रियली ब्यूटीफुल। अभी हमने भीमबली पार कर लिया है, अब 10 किलोमीटर हो गया गाड़ी से, इसलिए किसी टाइम पर जय भोलेनाथ। हो जाएगा सब हो जाएगा। ट्रैकिंग सच में कठिन है, डिफिकल्ट है, लेकिन भाई हो जाएगा। मैं तो कह रही हूँ, हम इतना खींच के ले आए खुद को, ये हमारे साथ क्या है, सब बहुत अच्छे है, आगे भी खींच के ले जाएंगे। और ये आ गया, वो पुल आ गया, पुल से गौरीकुंड से लगभग ये होगा 7-8 किलोमीटर होगा, और यहाँ से फिर हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, 8 किलोमीटर वो रेड वाली झोपड़ी से होगा जो केदारनाथ है। बेस कैंप यहाँ से 7 किलोमीटर होगा। बहुत तेज जगह है, बहुत तेज जगह। वाह भाई वाह, क्या फ्लो है, क्या वॉइस है, केदारनाथ धाम बस ऐसे ऐसे व्यूज देख के ना थकान से दूर हो जाती है बच्चों को। बढ़िया, एक नंबर शॉर्टकट दिया है, ये हमारा सबसे ज्यादा शॉर्टकट होगा। और हम बस थोड़ी दूरी पर है, यहाँ से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और हमारी सिचुएशन हालत खराब है। हम 6 बजे की आरती देखना चाहते हैं, आई विश कि मुझे देखने को मिले। मैं तो बोलते बोलते फोन आ गया, सॉरी। जय भोलेनाथ। हेलो गाइस, हम हैं इस समय केदारनाथ की ट्रैकिंग में। गाइस बहुत थक गए हैं, हालत बहुत खराब है, चाय पी रहे हैं, हालत पूरी तरह से खराब है हमारी बहुत ज्यादा, लेकिन हम फिर भी चले जा रहे हैं भोले बाबा का नाम लेकर। बज रहे हैं 4 बज गए, हमें 6 बजे की आरती देखनी है। एनी हाउ देखो, भगवान करवाते हैं, जय भोलेनाथ हम करेंगे। और आपको दिखाते हैं भैया, हम बहुत साथ हैं जो हमारी ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये भैया है रोहित भैया, इनका मैं लिंक शेयर कर दूंगी। बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है, मतलब हमें इतना मोटिवेट कर रहे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं। इन फ्यूचर कभी केदारनाथ आना हो तो मेरे ख्याल से इनको जरूर ज्वाइन करना। सेफ एंड रोम जी जी, बहुत अच्छे हैं। जय भोलेनाथ। वो सामने जो ऑरेंज कलर के जो है वो बेस कैंप है, और यहाँ से हमारा अराउंड 5-6 किलोमीटर है बेस कैंप। और कितना आपके लिए तो जय भोलेनाथ। चढ़ाई सच में बहुत कह सकते हैं, मतलब डिफिकल्ट है सच होता होगा, लेकिन आप कर लोगे। भोले बाबा बड़ी सारा खूब सब करा देंगे लोग। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, बम बम बोले। हेलो गाइस, हम लोग बस जस्ट 3 किलोमीटर रह गया, वो एक लास्ट आपको दिख रहा है, ये लास्ट चढ़ाई है, इसके बाद सीधा सीधा रास्ता है। तो अभी 6 बजे तक पहुंचना है। देखो गाइस, हम थोड़ा और क्लोज आ गए हैं भोलेनाथ जी के, ये देखिए कैंप एरिया स्टार्ट हो चुका है। तो अब ज़्यादा देर नहीं रह गई है, हम बस जल्दी से कोशिश कर रहे हैं पहुँचने की। यहाँ शौचालय वगैरह है, सुविधा है सारी, बस कुछ क्षण और भोलेनाथ। धीरे धीरे बड़ा कपड़ा यार, भोले वो बैठे ऐसे नहीं लग रहा पूरे, ओ माय गॉड, शूट यार, ओ माय गॉड, जय बोलना। जय बोलना भाई, जल्दी देखो दीपू, भोलेनाथ पूरे बैठे हुए साक्षात, ओ माय गॉड रियली यार। बाकी अभी मैं देख रहा हूँ
भाई सही में आप आएगा नहीं आ पाएगा बहुत मतलब बाकी जो ये जय भोलेनाथ यार हम बम बोले देखो कितना ब्यूटीफुल है केदारनाथ का नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल अभी हमें भोलेनाथ ने दर्शन दिए मुझे ही आ गया जय भोलेनाथ देखिए गाइस किस तरह की हमारी हालत हो गई है फुल मतलब ठंड हो रही है मुंह से हवा भी निकल रही है और हम आरती अटेंड नहीं कर पाए और दुख की बात है 7 बज गए है बट हम कोशिश करेंगे कि पहुंचे अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर रह गए हम चाय के लिए रुके हैं सब यहाँ बैठे हुए पैदल आए पैदल ही जाएंगे करेक्ट पैर भी है रात भर दर्द मासूम जानवरों को खच्चर मैंने 2-3 मरे हुए देख लिए रस्ते में मेरे को गाइस देखो खच्चर कर रहे हो करो मैंने मना नहीं किया पर थोड़ा उनका भी ध्यान रखो यार हमें हो गए हैं अभी 7 बज गए अभी हमारा 8:30 हमने चढ़ाई शुरू करी थी यस 8:30 to 12 हो जाएंगे हमें हो गए 11 घंटे तो हो गए यार कितना टाइम लग गया और ऊपर से ठंडी थी ठंड तो हो रही है भाई मुझसे धुआं निकाल के दिखाओ ठंड है जैक वाली फीलिंग आ रही है चलो जय भोलेनाथ कर लेंगे हम लेकिन जल्दी बुला लो यस फाइनली गाइस श्री केदारनाथ और देखो सामने ये हमारे केदारनाथ जी का मंदिर की ज्योति जल्दी हम भी दर्शन करेंगे जय भोले बाबा ये जगह भोलेनाथ के यहाँ पे बम बम भोले बोलते बुलबुले निकलते वो जगह ये हर हर महादेव स्टार्ट हर हर महादेव हर हर महादेव मुझे वायु कराने को हर हर महादेव हर हर बाबा की जय अरे आए हैं हर हर महादेव जय बोले बाबा की देखिए शिव जी से मिलने की खुशी सीरियसली गाइस देखिए अरे तुम रो क्यों रही हो गाइस फाइनली केदारनाथ और ये जो फीलिंग है गाइस वो वर्ड्स में नहीं बयान हो सकती माय बॉडी इज शिवरिंग एंड पेनिंग बट आफ्टर सीइंग टेंपल एक पल में पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया सच्ची में बोले में बहुत शक्ति है जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ और नेहा के तो आंसू ही नहीं रुक रहे वो इतनी इमोशनल हो गई है मैं आपको दिखाती हूँ देखिए गाइस ये भोले बाबा से मिलने की खुशी जो इनकी आंखों में झलक गई जय भोले बाबा गाइस देखिए अभी 8 बज रहे हैं और भीड़ देखिए आप कितनी हो गई ये देखिए अभी हमें दर्शन करने बाबा जी से जय भोले बाबा चलो लाइन में लगते हैं हमारा नंबर भी आएगा जल्दी हाय गाइस फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं
बाबा जी के बहुत मुश्किल से दर्शन हुए गाइस, गेट क्लोज हो गया था लेकिन थैंक्स टू हर की वजह से ही पीछे से एंट्री करके हमने फटाक से दर्शन कर लिया और अब अच्छे से दर्शन हम सुबह 4 बजे करेंगे, इसलिए हम अच्छे से दर्शन करेंगे। जय भोले बाबा, मंदिर, लव यू, जय भोले बाबा।